नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे और आप देख रही हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। झांसी में मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के राठ रेंज के जंगल में रामघाट मंदिर के पास बदमाशों और पुलिस के बीच आमने सामने मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से जख्मी हुआ है। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए बदमाशों को जवाब दिया और दोनों ओर से गोली चली। एसएसपी दिनेश कुमार पी के मुताबिक दो बदमाश राठ रेंज जंगल में मौजूद थे। बदमाशों की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो ललकारने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। बदमाशों की मुठभेड़ की सूचना पर फिर कई थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा और बदमाशों की घेराबंदी कर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें राहुल खंगार नाम का एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से जख्मी हो गया। बाकी एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। पुलिस की गिरफ्त में आया बदमाश राहुल खंगार पर लूट हत्या में फरार चल रहा था और 10,000 रुपए का इनामिया था। फरार हुए बदमाश की तलाश की जा रही है और जख्मी बदमाश का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जनपद झांसी थाना मौरानीपुर में हत्या के मुकदमे में वांटेड चल रहा राहुल खंगार आज मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना के अनुसार राठ रेंज के जंगल में बदमाश राहुल खंगार छुपा हुआ था, जिसके ऊपर 10,000 के इनाम भी घोषित था। एक मछली पालन के ठेकेदार को कुछ दिन पहले ही गोली मारकर हत्या किया है। इसमें यह लगातार वांटेड चल रहा था। इसी सूचना पे पकड़ने के लिए थाना मौरानीपुर की पुलिस टीम एवं उनके सहयोग में एसओजी टीम भी मौके पर गई थी। गिरता हुआ देखते तुरंत ही बदमाश ने फायर किया। जवाबी पुलिस फायरिंग में एक राहुल कंगार के पैर में गोली लगी है और घायल अवस्था में उसको गिरफ्तार करके हॉस्पिटल भेजा गया है। उसके साथ ही और भी जो थे वो फरार हो गए थे, उससे लिए कॉमिंग ऑपरेशन चल रहा है।